रायपुर में कृषि मंत्री राम विचार नेताम के विभागों के लिए करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान पारित किया गया है। इसके अंतर्गत आदिम जाति कल्याण मंत्री ने पथरिया और मुंगेली में छात्रावास खोलने की घोषणा की। मंत्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के आश्रम छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य स्थानकों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप से स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आश्रम और छात्रावासों का उन्नयन कर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही। वहीं जशपुर से सामरी तक 5,585 एकड़ में चाय बगान का विस्तारण किया जाएगा। सभी जिला और विकास खंड मुख्यालयों में खुलेंगे पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। निश्चित ही हम सबके लिए एक चुनौती वाला काम है कि जो सुदूर अंचल में नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ छात्रावास आश्रम हमारे उनके भवन नहीं है क्योंकि तोड़ दिए गए हैं। उनको कहीं ना कहीं क्लस्टर में उनको रखने का योजना है और उनके लिए बेहतर सुविधा देने की भी स्कीम है, योजना है, उसको हम कर रहे हैं। भवन विहीन बहुत ही छात्रावास हैं, वहाँ छात्रावास के लिए भवन भी हम करा रहे हैं और जो प्रयास जैसी संस्थाएँ हमारे यहाँ जो चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन प्रयास जैसे संस्था को भी हम राष्ट्रीय स्तर पे हम ले जाने की दिशा में वहाँ बेहतर सुविधा, बेहतर वहाँ का जो कोचिंग की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, खाने के मेस की जो व्यवस्था है उसको हम करेंगे, इसका भी हमने घोषणा किया है।